नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही बैच में। अमेरिकन पोएट हमने शुरू किया था और उस अमेरिकन पोएट में आज हम एक और अमेरिकन पोएट की बात करेंगे जिसका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये उसका पॉपुलर नाम है। उसको हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर कहते हैं, बट 2012 के पीजीटी में उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न आ गया था कि व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये मिडिल नेम तब से इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसलिए जो भी पेपर जो भी राइटर्स आप तैयार करिएगा उनका पूरा नाम एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग कहाँ से काम करे, कहाँ पे क्लिक करे और क्वेश्चन जो है दे दे। इसलिए इन सबका थोड़ा ख्याल रखे रहिएगा कि मिडिल नेम क्या है, किसी का जो है सर नेम क्या है, किसी का मिडिल नेम क्या है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और 1874 में इनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में। और 1874 में कैलिफोर्निया में जन्म हुआ था और 90 वर्ष की अवस्था में 1963 में इनकी डेथ होती है। 29 जनवरी, जब वो करीब करीब 90 वर्ष के हाल में पहुंच चुके थे, तब इनकी डेथ होती है। और सोते सोते ही इनकी डेथ हो जाती है, सो गए होते हैं और उसके बाद उठते नहीं है, डाइड इन स्लीप। ये भी एक विचित्र ही बीमारी होती है कि कैसे मरे, अब ये पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, राइट। और इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट और इनके मदर का नाम था इसाबेला मूडी, राइट। फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट, और मदर का नाम था इसाबेला मूडी। वैसे आपके पेपर में इतनी इंडिविजुअल पोएम्स दी हुई हैं कि वहां से क्वेश्चन आने का कोई भी जो है संभावना नहीं है कि इतने बायोग्राफिकल डिटेल से क्वेश्चन आएगा, बट देयर इज अ बट ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल। जो चाहे वो पूछ ले, ये उसकी मर्जी पर है। ऐसा ना हो कुछ कि वो पूछ लिया है और हमको आपको पता नहीं है, राइट। अमेरिकन पोएट है, एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है, कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं, तो ही आप जान जाएंगे कि ये जो है अमेरिका में है, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स जो है इनिशियली इंग्लैंड में आप जो है पब्लिश होते हैं और उसके बाद अमेरिका में पब्लिश होते हैं। पहले इंग्लैंड में इनके वर्क्स छपते हैं और फिर अमेरिका में उसका नंबर आता है। और ये जाने किस लिए जाते हैं, ये अमेरिका के रोमांटिक पोएट हैं। अमेरिका के रोमांटिक पोएट का मतलब ये है कि जब हम रोमांटिक पोएट का नाम लेते हैं तो दिमाग में एक आइडिया आता है कि रोमांटिक पोएट वो होता है जो नेचर की बात करता है, नेचुरल सेटिंग की बात करता है और रूरल लाइफ की बात करता है। ये रूरल लाइफ की बात करते हैं अपनी पोएट्री में, नेचुरल सेटिंग की बात अपने पोएट्री में करते हैं, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन की भी बात, ये जो है रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड इस कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। कोलोक्वियल स्पीच का मतलब होता है जो भाषा हम आम बोलते हैं उसको कोलोक्वियल स्पीच कहा जाता है, और उस कोलोक्वियल स्पीच के ये एक्सपर्ट होते हैं और यही इनकी खासियत है। इनकी जो पोएम है, जहां पर इनकी सेटिंग है फ्रॉस्ट की, फ्रीक्वेंटली इन्होंने लिखा है पोएम रूरल लाइफ
एक जगह है अमेरिका में ही जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड। तो न्यू इंग्लैंड के आसपास की सेटिंग होती है इनके पोएम्स की। न्यू इंग्लैंड के आसपास की सेटिंग होती है, और सेटिंग में क्या होती है ये पॉइंट हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ, राइट, इसकी बातें करते हैं नेचुरल सेटिंग की, राइट। और अर्ली 20th सेंचुरी में लिखना शुरू करते हैं, और फिर सोशल और फिलोसफिकल जो भी कुछ इनकी थीम होती है सब इसी के आसपास मंडराती है, इसी के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। और एक ऐसे पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतना वर्ल्ड फेमस पोएट थे कि फ्रीक्वेंटली ही वॉज ऑनर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कई बार इनको सम्मान मिला। और ये इकलौते ऐसे पोएट हैं जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है पोएट्री में, राइट। ही इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिलता है पोएट्री के लिए, तो 4 बार उनको पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज मिलता है। अभी पुलित्जर प्राइज क्या होता है, अमेरिका का एक ये पुरस्कार है, 1 of the 7 जो है पुलित्जर पुरस्कार होते हैं, अमेरिकन पुलित्जर प्राइज में 7 है, एंड पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री इज 1 of the 7 अमेरिकन पुलित्जर प्राइज अवार्डेड एनुअली फॉर लेटर्स, ड्रामा एंड म्यूजिक, राइट। इन फील्ड्स में पुलित्जर प्राइज मिलता है, और ये 1922 से मिलना शुरू हुआ है, राइट। पुलित्जर प्राइज पहली बार 1922 में मिले थे, और 1922 में जो है इज गिवन फॉर अ डिस्टिंग्विश्ड वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वर्स, बिल्कुल जो नई पोएम का कलेक्शन हो और सबसे डिफरेंट कलेक्शन हो उसके लिए ये पुरस्कार 1922 से मिलना शुरू हुए थे, क्लियर। 7 मिलते हैं पुलित्जर प्राइज अमेरिका में, उसी में एक है पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला है। और वो 4 बार कौन कौन कब कब इनको मिला है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि उनके कौन कौन से कलेक्शन थे जिसको उनको पुलित्जर प्राइज मिला है। सबसे पहले पुलित्जर प्राइज उनको 1924 में मिलता है, पहला पुलित्जर प्राइज 1924 में, और कलेक्शन आया था 1924 में उनका न्यू हैम्पशायर, अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स। न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 पहली बार, फिर 6 साल बाद 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए, मिलता है, और फिर इनको मिलता है 1937 में कलेक्शन आता है अ फर्दर रेंज। और आखिरी बार 1943 में मिलता है, और इस बार कलेक्शन होता है अ विटनेस ट्री। अ विटनेस ट्री 1943 में। तो ये 4 टाइम्स उनको पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री नसीब होता है, अवार्ड होता है 1924 से लेकर के और 1943 के बीच में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हॉल आज है इनके नाम से एक बनाया गया है, एकेडमिक बिल्डिंग है न्यू साजहा सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में मैनचेस्टर में, क्लियर।
अगर हम सिलेबस की बात करें तो इनकी पोयम जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो कौन सी पोयम है? इनकी दो पोयम्स हमारे सिलेबस में है, एक का नाम है द बर्चेज और दूसरे का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स। राइट, बर्चेज और स्टॉपिंग बाय वुड्स नाम है। आइए पहले हम बर्चेज की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे उनके दूसरे पोएम की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की। बर्चेज एक पोयम होती है जो इनके तीसरे वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल, उस माउंटेन इंटरवल में 1916 में पब्लिश होती है। यद्यपि माउंटेन इंटरवल में छपने से पहले ये पोएट्री के कलेक्शन का नाम होता है, 1916 में ये पब्लिश होता है। पोयम बर्चेज 1913-14 के अराउंड लिखी गई थी और पहली बार अगर पब्लिकेशन पूछा जाए कि पहली बार कब पब्लिश हुई थी पोयम बर्चेज, तो उसका जवाब यह है कि पहली बार पोयम बर्चेज 1915 में पब्लिश हुई थी और 1915 में एक जर्नल था, एक मैगजीन था, उसी मैगजीन में इसको छपाया गया था। राइट, उसी मैगजीन में बर्चेज को छपाया गया था पहली बार। कब? 1915 में पहली बार पोयम बर्चेज छपी थी। राइट, ये चीज याद रखिएगा, यही सब काम के हैं आपके और यही सब आपके पेपर में आएंगे भी। राइट, पहली बार किस मैगजीन में छपी थी? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका नाम है दी अटलांटिक मंथली। एक सेकेंड, क्या नाम उसका? अटलांटिक मैन जो है मंथली। मंथली में पहली बार 1915 में पोयम छपी थी, 13-14 में कभी लिखी गई थी, अगस्त का इशू था मंथली का, उसी में ये छप करके पहली बार आई थी। द पोयम वॉज लेटर इंक्लूडेड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री माउंटेन इंटरवल। बर्चेज जो पोएम है, वैसे बर्चेज ट्रीज के नेम से है, बर्च ट्री होता है और उसी का प्लूरल, बड़ी पोएम नहीं है। टोटल इसमें 59 लाइंस हैं और वो 59 लाइंस ब्लैंक वर्स में लिखी हैं। ब्लैंक वर्स अब आपको पता है कि क्या होता है, उसी ब्लैंक वर्स में लिखी है। क्लियर, द पोयम फीचर क्या करता है, किसकी बात करता है? पोयम में एक स्पीकर होता है जो इमेजिन करता है अपने बॉयहुड डेज को, अपने बचपन के दिन को, और वो पोयम का जो नैरेटर है वो शायद पोएट ही है। द पोयम फीचर्स अ स्पीकर हु लाइक्स टू इमेजिन दैट द रीजन। बर्चेस की जो ट्रीज है उनकी जो शाखाएं हैं वो झुकी हुई क्यों है? तो कहता है इसका रीजन ये है कि शायद कोई बच्चा इस पर अभी आया है, आया था और स्विंगिंग करके गया है, इसलिए वो झुकी है।
और फिर बाद में कहता है शायद आइस पड़ रही थी और उस आइस की वजह से इसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। अंत में ये क्लियर हो जाता है कि स्विंगिंग आज ये क्लियर होता है कि समथिंग द स्पीकर वंस डिड एज अ चाइल्ड एंड दिस टर्न्स द पोयम इनटू अ नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन ऑफ यूथफुल व्हाइल आल्सो जक्स्टापोजिंग चाइल्डिश स्पॉन्टिनिटी विद द मोर सीरियस मंडेन रियालिटीज ऑफ एडल्टहुड। ये पोयम ये याद दिलाती है उसको कि बचपन में वो क्या किया करता था, बचपन में भी वो यही काम करता था जो आज बच्चे करके गए हैं, और बचपन में क्या करता था, बर्चेस की शाखाओं पर बैठ करके वो झूला झूला करता था और उसके वजह से उसके जो ब्रांचेस थी वो झुक जाया करती थी। पोयम शुरू करता है लाइन से When I see the branches bend to left and right, left और right झुकी हुई है across the lines of the straighter, darker trees, I like to think some boy has been swinging them। मुझे लगता है कि कोई बच्चा आया है और उसको swing करा करके गया है, but फिर उसको तुरंत contrast करता है कि स्विंगिंग डजेंट बेंड देम डाउन टू स्टे। स्विंगिंग कराने से होता क्या, दबाया होता वो प्रेस होता नीचे तो जैसे छोड़ा था ऊपर उठ गया होता, लेकिन वो शाखा ऊपर उठ नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है बट स्विंगिंग डजेंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू। जैसा कि उसको लगता है कि आइस का स्टॉर्म आया है और वो उस पर लद सा गया है, इसलिए शाखाएं जो है वो उठ नहीं पा रही हैं। राइट, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस सनी विंटर मॉर्निंग। सनी विंटर मॉर्निंग में अक्सर बर्चेस को देखा जाता है कि उन पर जो है बर्फ लदी होती है, और कब तक लदी होती है, लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन, दे क्लिक अपॉन themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel, soon the sun's wrath warmth makes them shed crystal shells। और फिर थोड़ी देर में क्या होता है, सूर्य निकलता है और जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो वो जो आइस है धीरे धीरे मेल्ट होती है और फिर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। ज्यादातर लोग स्पीकर का ऐसा मानना है कि उन्होंने उन वृक्ष की शाखाओं को विंटर के मॉर्निंग्स में देखा है कि वो कैसे आइस से पूरी तरीके से ढकी होती हैं, और बर्चेस जो है बर्चेस लाइक दिस स्टार्च अगेंस्ट वन अनदर इन द विंड, द आइस अराउंड द ब्रांचेस ग्लिटनिंग एज इट बिगिंस टू क्रैक, और बिफोर लॉन्ग द सन हीट्स अप and the ice cover जो होते हैं branch जो होती हैं वो melting करना शुरू कर देती हैं, और जब melt कर देती हैं तब बिल्कुल fine layer निकल करके आता है, वो पत्तियां बिल्कुल नई ताजी चमचमाना शुरू कर देती हैं, चमकदार पत्तियां दिखाई देना शुरू कर देती हैं। और फिर उस बच्चे की कल्पना करता है जो वहां पर झूला है, और फिर ये भी कहता है कि काश मैं बच्चा हो जाऊं और फिर से आकर के इसी पर बैठूं और मैं भी झूलूं, और झूलूं तो अपने बचपन के दिन याद आ जाएं। और आपको पता है कि जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं उनके लाइफ में बचपन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पर वो उसी बचपन की बात कर रहा है, उसी इम्पॉर्टेंट रोल की बात कर रहा है कि बचपन अगर आए तो वो फिर से मजे करना शुरू करे जैसे वो पहले कभी करता रहा है। राइट, बोलता है लाइन सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लीन टू लर्न बेसबॉल हुज ओनली प्ले वाज दैट ही फाउंड हिमसेल्फ समर आर विंटर एंड कुड प्ले अलोन, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम एंड Not one but hung limp and
Not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground. Right? पूरे उस reality की बात करता है जो कभी उसने खुद झेला है. The boy क्या सीखता है, क्या सीखा है? The boy learned how to safely swing from the birch trees. कैसे safely swing किया जाए? और learning that it is important to not jump before reaching the part where the trunk is most flexible. बिल्कुल कोने पर ना जंप लगा दिया जाए. क्यों? Since otherwise the tree could snap and fall quickly to the ground. The boy maintained his composure as he climbed all the way up to the highest branches, moving with the same care one might use when slowly filling a cup to the very top or even just beyond the top. जैसे हम कप में कोई चीज डालते हैं ब्रिम तक कि एक बूंद नीचे ना गिरे, वैसे ही बच्चा जो है वो जंप करता है. ये बर्चेस की पूरी स्टोरी है. The poet has observed the habits of birches minutely. He sees them and finds that they are bending to right and left. He also imagines that some boy has been swinging them. It seems that ice storm has made birches stray. These birches are covered with ice. They swing up and down when the wind blows. He imagines that the boy who swings has got a skill of maintaining balance. उसने balancing बहुत बेहतरीन सीख ली है. The poet wishes to climb to heaven, but he likes to return to the earth. क्यों? क्योंकि बोलता है कि earth is the right place to love. Right? ये बहुत important line है इस poem की. Earth is the right place to love. Right? अर्थ जो है यही सबसे शानदार चीज है, शानदार जगह है लव करने के लिए. राइट? अर्थ इज द राइट प्लेस टू लव. आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर. ये मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी. हेंस बर्च स्विंगिंग बिकम्स गुड फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक. द लिरिक इज द फ्यूजन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी. पोएट के लिए लाइफ इज अ पाथलेस वूड. एक ऐसा जंगल है जिंदगी जो हमेशा चलती रहती है. योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स. द पोएट वांट्स टू फॉरगेट द बिटरनेस ऑफ दिस अर्थली एग्जिस्टेंस फॉर द टाइम बीइंग, बट ही लव्स टू रिटर्न. आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ व्हाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर. मैं दोबारा आऊंगा और फिर इस धरती पर रहना चाहूंगा. Clear? One could do worse than be a swinger of birches. What is more, the speaker very subtly, very minutely suggests that these kinds of life experience aren't just fun, but important parts of the coming age process. He learned all there was to learn about not launching out too soon. स्पीकर ये कहता है कि ये सजेस्ट करता है कि जो बॉय है, द बॉय नोज नॉट टू जंप. राइट? बिफोर रीचिंग द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द सिटी, अ पार्ट ऑफ द ट्री. जब भी आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल डेलिकेट अ टाइम पर हो तो आप बिल्कुल भी जंप ना करें.
सिंस दिस माइट कॉज द ट्री टू स्नैप व्हेन ही जंप्स thus sending him plummeting to the ground. On a broader level, this teaches the boy how to seek excitement and thrills safely, especially since the idea of not launching out too soon. क्या सिखाती है ये poem एक बच्चे को कि कैसे कोई भी risky काम safely किया जाए, कोई भी adventurous काम कैसे बिल्कुल इत्मीनान से सुरक्षित तरीके से किया जाए, ये उसी पर पूरी पोयम जो है ये कमेंट है. क्लियर? अब आइए उनकी अगली पोयम पर हम आते हैं, जो छोटी सी पोयम है, नाम है उसका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. Stopping by wood on a snowy evening. 1922 में लिखी गई थी और जो पहला वॉल्यूम था जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला 1924 में न्यू हैम्पशायर, उसी में ये 1923 में पब्लिश हुई थी. Written in 1922 and published in 1923. और किस में पब्लिश हुई थी? न्यू हैम्पशायर में. न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुई थी और पूरी वॉल्यूम ही था पूरा. इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड रेपिटेशन ये प्रोमिनेंट है इस पूरे वर्क में. और इस पोएम के बारे में रॉबर्ट फ्रस्ट ने कहा था कि माई बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस. एक ऐसी पोएम है जो मैं हमेशा याद रखना चाहूंगा. फास्ट की मोस्ट मूविंग लिरिक पोएम है, 1922 में लिखी गई थी और इट इज द पोएम दैट टच्ड द हार्ट ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पोएम से इंस्पायर्ड थे. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. और इस पोयम की जो लास्ट की चार लाइंस थी वो बहुत इंस्पिरेशनल थी और अभी भी हैं. राइट? बहुत इंस्पिरेशनल थी और अभी भी हैं. और लाइंस कौन सी थी? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ये सबसे इंस्पिरेशनल लाइंस थी और पंडित नेहरू इसको अपने सिराहने रख करके सोया करते थे. लिख देता हूं लाइंस, उसको उतार लीजिएगा. और उतार ही नहीं लीजिएगा, दिमाग में भी उतारिएगा ताकि पेपर में आएगी, बिल्कुल पक्का है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep.
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. And miles to go before I sleep. ये repeated है. सोने से पहले, मरने से पहले बहुत सारा काम करना है. यद्यपि जंगल बहुत सुंदर है, लवली है, डार्क है और बहुत बड़ा जंगल है ये, लेकिन मेरे भी कुछ अपने वायदे हैं और मुझे उन वायदों को पूरा करना है. माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सोने से पहले मरने से पहले बहुत सारी दूरियां तय करनी हैं, बहुत लंबी दूरियां तय करनी हैं मरने से पहले. ये कितनी ऑप्टिमिस्टिक लाइंस थी और कितनी इंस्पिरेशनल लाइंस अभी भी हैं कि हमको ये बताती हैं कि वी कैन नॉट स्टॉप बिफोर अचीविंग आवर रिजल्ट. राइट, बिफोर अचीविंग आवर टारगेट हमको स्टॉप नहीं करना है. हमको कितना भी जो है परसुएशन हो, कितना भी टेम्पटेशन हो, कितने भी लवली डार्क और डीप जंगल मिले, हमको जंगल में घूमना नहीं है, हमको जंगल में फंस नहीं जाना है, हमको इस दुनिया की अट्रैक्शन का शिकार नहीं हो जाना है, हमको अपने काम के लिए बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. द टेक्स्ट ऑफ द पोएम जो है इट रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ अ लोन वैगन. राइट, वैगन ड्राइवर जो है वो पोएट खुद ही है, उसी के थॉट को एक्सप्रेस करता है. और होता यह है कि वो एक रात के लिए रुकता है, पॉजिंग एट नाइट इन हिज ट्रेवल टू वॉच स्नो फॉलिंग इन द वुड्स. जंगल में कैसे स्नो फॉल होता है उसको देखने के लिए एक रात वहां हाल्ट करता है. और इट एंड्स विद हिम रिमाइंडिंग हिमसेल्फ दैट डिस्पाइट द लवलीनेस ऑफ द व्यू I have promises to keep and miles to go before I sleep. बहुत सुंदर जंगल है लेकिन मुझे यहाँ स्टक नहीं करना है, मुझे यहाँ फंस नहीं जाना है, मुझे चलते ही रहना है. असल में पोएम के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जून 1922 में इस पोएम को लिखा था जब वो वर्मांट में रह रहे थे अपने घर में. और He had been up the entire night, पूरी रात जगे थे, अपनी पोयम न्यू हैम्पशायर को कंप्लीट कर रहे थे. एकाएक उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है. When he realized morning come, और फिर क्या हुआ, सनराइज को देखने वो घर से बाहर निकले और एकाएक उनके दिमाग में stopping by wood ऑन ए स्नोई इवनिंग का आइडिया आया. और उन्होंने इस नई पोएम को अबाउट द स्नोई इवनिंग एंड द लिटिल हॉर्स इफ आई हैड अ हलुसिनेशन इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स विदाउट स्ट्रेन, उस पोएम को इन्होंने कंप्लीट कर दिया, कुछ ही देर में लिख डाला. पोएम की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में ना हो करके आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है. आयम्बिक टेट्रामीटर में पोयम है, चार लाइन का स्टेंजा है. एक स्टेंजा होता है जिसको रुबाइयत स्टेंजा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रुबाइयत स्टेंजा. आर यू बी ए आई वाई ए टी. रुबाइयत का नाम सुना होगा शायद आपने, एक पर्शियन गणितज्ञ और पोएट थे, नाम था उनका उमर खय्याम. और उमर खय्याम ने एक बुक लिखी थी और उमर खय्याम की उस बुक में जो स्टेंजा प्रयोग हुआ था
वो उनकी बुक के नाम से जाना जाता है। उनकी जो बुक थी, बुक का नाम था रुबैयत ऑफ उमर खयाम, और वो जो रुबैयत बना वो एक स्टेंजा फॉर्म बन गया जो चार लाइन का स्टेंजा होता है, फोर लाइन्स स्टेंजा होता है, रुबैयत स्टेंजा उसको कहते हैं। बाकी बैलेट में भी क्वाट्रेन ही होता है, स्टेंजा चार लाइन का ही होता है, लेकिन ये पर्शियन फॉर्म है रुबैयत, और इसका एक और नाम है, इसको चहर गाना के नाम से भी जाना जाता है, चहर गान, राइट, गान माने गीत, चहर गान इज द टर्म फॉर अ क्वाट्रेन। रुबैयत एक टर्म है क्वाट्रेन के लिए, अ पोएम और वर्स ऑफ अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार लाइन्स होती हैं, राइट, और इट रिफर्स स्पेसिफिकली टू अ फॉर्म ऑफ पर्शियन पोएट्री और इट इज डेरिवेटिव फॉर्म इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। और उसी रुबैयत स्टेंजा में यह पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग लिखा है, और उस रुबैयत का ट्रांसलेशन एक विक्टोरियन पोएट ने किया था और उसका नाम था एडवर्ड फिट्ज़गेरल्ड। एडवर्ड फिट्ज़गेरल्ड ने रुबैयत ऑफ उमर खय्याम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, और ये जो स्टेंजा उसका होता है, जिसकी राइम स्कीम होती है चार लाइन की, वो होती है ए ए और बी ए, राइट, राइम स्कीम है ए ए बी ए, मतलब तीन ए और एक बी, विद द फॉलोइंग वर्सेस ए लाइन राइमिंग विद दैट ऑफ वर्स बी लाइन विच इज अ चैन राइम। अनदर एग्जाम्पल इज द टर्जा राइम यूज इन दांतेस इन्फर्नो। ओवरऑल जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी ए और फिर बी बी सी बी, राइट, ये इंटरलिंक्ड बनता है बी बी और फिर सी बी, और फिर क्या बनेगा, अब यहां पर सी से शुरू होगा तो सी सी डी सी, राइट, इस टाइप की लाइन बनेगी, राइट, क्लियर, ये रुबैयत की राइम स्कीम होती है और इसी में ये पोयम लिखी है। ठीक है, आइए पोयम पढ़ के सुनाता हूं। Whose woods these are, I think I know. ये किसके जंगल हैं, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। His house in the village though. ये देव उसका घर गांव में ही है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ पर रुका हुआ देख नहीं सकता, देख नहीं पाएगा। To watch his woods fill up with snow. और क्यों नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पूरा जंगल जो है उसका ना वो स्नो से, बर्फ से भरा पड़ा है। मैं एक हॉर्स पर बैठा हूँ। My little horse must think it queer. उसको ये लगता होगा कि बहुत क्वेर है, बहुत स्ट्रेंज है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्या स्ट्रेंज है कि बिना किसी फार्म हाउस के आसपास हुए ठहर जाना, रुक जाना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। एक तरफ तो जंगल है और दूसरी तरफ सर्दी का महीना है, तो लेक भी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई है, पानी भी उसका जम चुका है, और तीसरी बात यह है कि ये पूरे साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. और यहीं पर पोयम समाप्त हो जाती है, यहीं पर पोयम एंड हो जाती है। The poem is very much simple,
लेकिन मीनिंग जो है उसकी बहुत गहरी है। एक सिंपल लेवल पर ऐसा लगता है कि पोयम बहुत सिंपल है और पोएट के एक जंगल में सिर्फ रुक जाने तक की कहानी भर है स्नोफॉल देखने के लिए। लेकिन अगर हम गहराइयों में जाएं, डीप मीनिंग पर जाएं, रियल डेप्थ ऑफ द पोयम कम्स ऑन इट्स सिंबोलिक रीडिंग। और सिंबोलिक रीडिंग क्या है? स्लीप, डार्कनेस एंड स्नो, ये तीनों चीजें डेथ को सजेस्ट करती हैं। द वुड सजेस्ट्स इंचेंटमेंट, माया है पूरा जंगल और उसी माया में फंसा हुआ है। द पोएट सीज द वुड्स और उस माया को देखता है, जंगल को, और उस जंगल की माया को इंजॉय भी करता है। माया कैसी है? द वुड्स आर लवली, क्वाइट अपोजिट टू द प्रॉमिसेस जो पोएट ने कर रखा है और जिस वायदे को उसको निभाना है उसके बिल्कुल खिलाफ है। द वुड्स रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल स्लीप ओनली व्हेन ही सक्सीड्स इन कीपिंग हिज प्रॉमिसेस। तभी उसको नींद आएगी जब वो अपना वायदा पूरा करने में सफल हो पाएगा। यद्यपि स्ट्रेंज वॉइस जो है उसको अट्रैक्ट करती है, फ्रेंडली वॉइस कॉल अस बैक टू मेन, टू विच कॉल शुड वी हीड इज द क्वेश्चन। दिस इज द ट्रैजिक इनडिसीजन। वी फाइनली स्लीप वाइल मर्मरिंग द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दिस पोएम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिंबोलिक टेक्निक। इट becomes a poem of music and melody because of the concentration of the vowel sounds, and this poem became so much famous in India because of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, who used to keep this poem in his pocket and under the pillow. And these lines, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, were very much inspirational for him, and so is the case with me, and it must be with you. You can't sleep, you can't stop without getting your desired result. Don't be stuck in the woods, don't be stuck in the maya. You have to come out from there and you have to win your fight, you have to win your स्ट्रगल। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएट, और वो नेक्स्ट पोएट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर। थैंक यू, गुड लक।